Once again, welcome here. So, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन रिवीजन जो आपके नेक्स्ट वीक बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं. सीबीएसई का केमिस्ट्री का पेपर है 14 दिसंबर को और पंजाब बोर्ड का है 15 दिसंबर को. केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स कॉमन हैं, जो सिलेबस दोनों सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में कॉमन है, उसके कुछ टॉपिक्स रिवीजन के लिए सीबीएसई के बच्चे और पंजाब बोर्ड के बच्चे मेरी ये वीडियो यूज कर सकते हैं. मैं यकीन ये बोल रही हूँ इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगी वो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कवर करके आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और इन वीडियो के हेल्प से आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हो. मैं 100% नहीं बोल सकती कि मेरे ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन बन के आएंगे, बट या आई विल ट्राई कि आपको जो क्वेश्चन आए वो कहीं ना कहीं उसके जो कंसेप्ट है वो आपके एक बार फिर से यहाँ पे एक क्विक रिवीजन जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके साथ लेक्चर सीरीज उसमें वो कवर हो पाए. आई होप कि मैं ये लेक्चर कंटिन्यू कर पाऊँ बिफोर योर केमिस्ट्री एग्जाम. हमारा जो सारे चैप्टर की रिवीजन है एक बार हो जाए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जो जैसे कि आप लोगों का जो सिलेबस है आप सबके पास होगा सीबीएसई का भी और पंजाब बोर्ड का भी, तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारा चैप्टर होगा सोल्यूशन. सो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आप लोगों का आएगा पेपर में 4 मार्क्स का, जिसकी फर्दर डिवीजन की अगर बात करें तो वो है 2+2. 2 मार्क्स का आप लोगों को यहाँ पे आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, 2 मार्क्स का आप लोगों को आएगा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन. थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन को मिला के आपका ये 4 मार्क्स का चैप्टर बनता है. अगर आप फर्दर में बात करूँ इस चैप्टर में तो कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो टॉपिक्स आपको अगर कोई पूछता है तो आपको उस टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो जैसे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है. तो सॉल्यूशन आप सबको पता है ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, दो चीजों के. व्हाट इज दैट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्यूशन और सॉल्यूट के मिक्सचर से कॉम्बिनेशन से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड कैसे करना है उसके लिए हमारे बेसिक टर्म है जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो. कोई भी चीज सॉल्वेंट या सॉल्यूट कब होती है उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है. अगर कोई चीज हमारे पास कम क्वांटिटी में है तो वो हमारी बन जाएगी सॉल्यूट, और जो चीज हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में है वो हमारी हो जाएगी सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 लीटर पानी में ऐड करते हो 3 स्पून ऑफ शुगर, तो शुगर आपका क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा जो 1 लीटर पानी लिए. अगर आप इस चीज को रिवर्स करते हो, आप 1 किलो चीनी में 3 चम्मच पानी के या 3 गिलास पानी के डालते हो, उस टाइम पे आपके पास पानी की क्वांटिटी कम है तो पानी आपके लिए सॉल्यूट बन जाएगा और जो चीनी है वो सॉल्वेंट बन जाएगी. ये तो आपका एक बेसिक टर्म है सॉल्यूशन है क्या. इसके बाद आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन था बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 2 कंपोनेंट की बात करेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ये जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आप लोगों ने सैंपल पेपर देखे होंगे, उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग शुगर को किस फॉर्म में पानी में ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है वो जल्दी बन जाएगा. एक ऑप्शन है क्रिस्टल फॉर्म में, सेकेंड ऑप्शन है मेल्टेड फॉर्म में, थर्ड ऑप्शन है पाउडर फॉर्म में. तो अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन मैं दे रही हूँ, इनमें से अगर हम बात करेंगे शुगर अगर मेल्टेड फॉर्म में, मतलब उसको हमने पहले हीट किया हुआ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ, तो वो सबसे पहले डिजोल्व होगी. अगर हम ऑप्शन दे रहे हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में है शुगर और पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म वाली जो शुगर है वो पानी में जल्दी डिजोल्व होगी. इवन फर्दर ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि जो शुगर हमने ली है वो पाउडर फॉर्म में है इन हॉट वाटर और पाउडर फॉर्म इन कोल्ड वाटर. अब इन दोनों में से सबसे पहले चीनी किस में डिजोल्व होगी, कोल्ड वाटर में पाउडर फॉर्म ऑफ शुगर. तो इस तरह से आप लोगों को बेसिक जो अपनी नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो ऐसे ही आप लोगों को मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के क्वेश्चंस करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आने चाहिए. और उसके लिए आपके पास यहाँ पे आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट, उसमें से जो जो टॉपिक्स आप लोगों के कवर नहीं है उनको कवर करेंगे. स्पेशली फॉर्मूलाज को नोट ऑन कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल आएंगे और 2 ही थ्योरी क्वेश्चन आएंगे. तो मेन फोकस आपका टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन जो है उसको सिर्फ आपको समझना है. क्रैमिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, एमसीक्यू ही होंगे.
तो उस चीज को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करें चैप्टर में, तो आपके पास यहाँ पे हेनरी लॉ आता है, रोड्स लॉ आता है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, और आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हेनरी लॉ ने प्रेशर के अकॉर्डिंग बात की थी, तो आप लोगों को देखना है कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। हाई एल्टीट्यूड है, डीप सी डाइविंग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज की जाती है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो एप्लीकेशन दिमाग में रखनी है। हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करना है, ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अगर हम पानी में गैस डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन सूटेबल है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो वहां पे आप लोगों को हाई प्रेशर को फोकस करना है। तो वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को हीट कर दिया, दैट मीन्स हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो जो उसमें गैस डिजोल्व है वो क्या हो जाएगी, उसमें से बाहर चली जाएगी, एस्केप हो जाएगी। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे जो भी गैस हम लोगों ने लिक्विड में डिजोल्व की हुई है वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो गैस को लिक्विड में डिजोल्व रखने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ऐसे ही रोड शो था, रोड शो का फोकस था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। अगर आप लोग वोलेटाइल वर्ड को देखो तो सबसे पहले तो आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए, वोलेटाइल वो वर्ड है उसका मतलब है कि वो चीज जो उड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पानी फेंक देते हो और अगर गर्मी का महीना है मई जून, तो वो पानी अपने आप वहां से खत्म हो जाता है। वो कहाँ जाता है, एटमोसफेयर में, कैसे, इवेपोरेशन से, विद द हेल्प ऑफ हीट। सिमिलरली अगर आप लोग एसीटोन को ऊपर रख देते हो, अल्कोहल को ऊपर रख देते हो, वो भी क्या होती है, उड़ जाती है। तो दैट इज वोलेटाइल। तो वो सोल्यूट, वो सॉल्वेंट जो हम लोग सॉल्वेंट में अगर वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो भी वो उड़ जाएगा, और अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करेंगे वो भी उड़ जाएगा। दैट मीन्स जो रोड शो था उसका मेन जो फोकस था वो था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऊपर, वो सोल्यूट जो इवेपोरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पानी में आप लोग सॉल्ट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने मेन बात करनी है वेपर प्रेशर की। अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो नॉन इवेपोरेटिंग है और सोल्यूट भी नॉन इवेपोरेटिंग है, मीन नॉन वोलेटाइल है, तो उस टाइम पे जो वेपर्स बनने की कैपेसिटी है वो कम होगी। और अगर कोई चीज वोलेटाइल है तो उसके वेपर बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हेनरी लॉ जो था वो प्रेशर पे था फोकस्ड, जिसमें हम लोग सॉल्विबिलिटी की बात करते हैं, KH कांस्टेंट है जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम लोग बात करें हेनरी लॉ की तो आप लोग देख सकते हो उसमें हमारे पास फोकस है प्रेशर के ऊपर, KH जो है उसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन भी यूज करते हैं। बट जो रोड शो है उसमें हम लोग प्योर वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर उसमें बात करते हैं, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर, तो उसमें हम लोग दोनों कंपोनेंट लेते हैं ए और बी, तो इसमें भी हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ आइडियल नॉन आइडियल, तो आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो सारे के सारे लॉज फॉलो करें, मीन्स हेनरी लॉ भी फॉलो करें, रोड शो भी फॉलो करें, और नॉन आइडियल वो होते हैं जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल सोल्यूशंस में डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू जीरो होता है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो चेंज ऑफ एंथैल्पी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो आइडियल में इक्वल टू होता है जीरो, बट अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल में वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ डेल्टा वी मिक्सिंग, तो डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन के लिए हो जाती है इक्वल टू जीरो, और अगर मैं बात करूँ नॉन आइडियल के लिए तो अगेन वो हो जाती है नॉट इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो ये कुछ आपको कंडीशन है जो आप लोग अपनी कॉपी पे जो शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, जिससे आपको अगर पेपर में टाइम कम है रिवीजन का तो आप वो नोट्स की हेल्प से एक बार अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइंड कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो फॉर्मूलाज को। तो ये आपकी कंडीशन आ गई, अगर इक्वल टू जीरो आ रहे हैं दोनों तो वो आइडियल सोल्यूशन, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहे हैं तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर हम बात करें अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और सोल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। तो वो सारी की सारी चीजें अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन में आता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड करती है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स तो ये करेक्ट है,
और अगर लिखा हुआ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो वो गलत ऑप्शन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगेन आपके पास यहाँ पे फिर वैन डॉर्फ फैक्टर आता है, इसमें नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलर मास आप यूज करते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जैसे आप लोग वर्ड को देख रहे हो यहाँ पे आइसो, तो आइसो मीन्स होता है हमारे पास सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होंगे जिनका हमारे पास सेम क्या होगा, प्रेशर होगा। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो आइसोटोनिक होंगे। हाइपरटोनिक की बात करें तो सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, अगर मैं बात कर रही हूँ हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, अगर आप लोग एग्जांपल लेते हो ए और बी, तो अगर ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, ए वाला। और अगर ए वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो बी वाला सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाए तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो बन जाएगा हाइपरटोनिक। और आइसोटोनिक में उन सॉल्यूशंस को बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ए और बी दोनों सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक। इसके अलावा ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में हम लोगों को पता है क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन। अब मैं अगर बात करूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की तो वो क्या हो जाएगी, इसका ऑपोजिट। और सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन लेयर होती है जिससे हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या फिर अगर आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हो या प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ आते हैं। तो उस चीज को आप लोग देखोगे सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन, आगे उसकी कैटेगरीज है आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में हम लोग देख लेंगे जो इंसान ही बनाता, जो आपको वेजिटेबल के पील्स में मिलती है वो आ जाएगी आपके पास नेचुरल में, और एग की जो शेल होगी उसको बोला जाएगा। और जो आर्टिफिशियल है उसमें जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ऐसे और भी आप लोग पढ़ा हुआ चैप्टर जिसमें और भी एग्जाम्पल आती होंगी। तो आपका मेन फोकस यहाँ पे मेरा ये लेक्चर बनाने का ये है कि थोड़े से टाइम में आपका सेकंड चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो न्यूमेरिकल की बात करें अगर, तो मैं थ्योरी को एक साइड करके न्यूमेरिकल की बात करती हूँ। न्यूमेरिकल चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक में से आ सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार हैं, चारों के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, बट स्टिल हो सकता है के एच की वैल्यू दे दी हो और आपको पूछ ले कुछ और फाइंड करने को, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला भी आप दिमाग में रखना। रोल्स लॉ का न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं इनके न्यूमेरिकल एक बार जरूर देख लेना, स्पेशली मोल फ्रैक्शन के। और यही कुछ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, और इस चैप्टर को आप लोग जितनी जल्दी हो सके रिवाइज कर लो। कल आपको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी विद द नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टिल देन रिवाइज दिस, और इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स हैं या इंटरनेट पे अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार सॉल्व करके देखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को कवर कर पाऊँ। टिल देन थैंक यू। और अगर आपके फ्रेंड्स को आप ये लेक्चर शेयर करोगे तो इससे उनकी हेल्प हो जाएगी, जिन्होंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा हुआ और पेपर आ गए हैं नेक्स्ट वीक, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।